नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर। वेरियस टाइप्स प्रेशर कौन से होते हैं? नंबर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सब जगह एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर टू इज कॉल्ड द गैस प्रेशर, नंबर थ्री इज वैक्यूम प्रेशर, नंबर फोर्थ इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये आपस में रिलेटेड होते हैं और ये जो इसको तरीका होता है कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर हम डेटम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने डेटम ले लिया, उससे जो ऊपर प्रेशर होगा मतलब जीरो अगर ये है और इससे ऊपर जो प्रेशर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड द गैस प्रेशर। और इसके नीचे जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर। जो वैक्यूम प्रेशर होता है दैट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना बिलो होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव भी करते हैं। ओके, दैट इज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कहें प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो यू आर सेइंग दैट गैस प्रेशर इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली हम गैस प्रेशर में बात करते हैं, अगर मैं कहूँ माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो यू कैन से इट इज ए वैक्यूम प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपनी एक वैल्यू होती है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10.3 होती है, उसकी बात में जो उस वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपनी एक वैल्यू होती है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हम ये 0.0 माने, दैट इज कॉल्ड डेटम इज 0.0, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, जैसे जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर प्लेस का होता है, दैट इज कॉल्ड, अगर हम जीरो माने तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ओके, अगर अगर ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है 0.0 डेटम में, इस केस में क्या होगा, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो आप आराम से, अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर गैस प्रेशर दिया है तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर दिया है तब भी आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जनरली कॉन्स्टेंट ही होता है, दैट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर, तो करीबन 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के करीब होता है, 101 के करीब भी हो सकता है 9.81 ले तो। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड या माइनस करने पर एब्सोल्यूट प्रेशर निकलता है, अगर गैस प्रेशर है तो हम ऐड करेंगे, अगर अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो वैक्यूम प्रेशर है तो माइनस करेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर और माइनस वैक्यूम प्रेशर, प्लस माइनस यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज ओब्लिक वैक्यूम, जो भी केस हो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी जगह पर जो एटमॉस्फेयर की जैसे प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर गैस प्रेशर होता है जो उससे ज़्यादा हो दैट इज कॉल्ड द गैस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर कम है दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जब 0.0 डेटम मानते हैं, इन दोनों केसों के लिए डेटम माना जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दैट इज गैस प्रेशर इज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर इज हाउ मच बिलो इट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर।
अब आप समझ गए होंगे तीनों चारों को क्या डिफरेंस है। थैंक यू।